हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक फैंटेसी प्रीव्यू में। 2 महीने बाद वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की T20 को हम कवर करेंगे इस स्पेसिफिक मुकाबले में। एंड वीडियो के लिए एंड तक बने रहिएगा, लाइक बटन जरूर हिट करिए एंड कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे आज निकोलस पुरान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं स्ट्रेट इनटू द प्रीव्यू हमारी विन प्रेडिक्शन इस गेम में वेस्ट इंडीज की तरफ। याद रखिए कि जो स्क्वाड्स बनकर आए हैं वहां पे वेस्ट इंडीज लाए 11 आउट ऑफ 15 प्लेयर्स ऑन द वर्ल्ड कप, वाइल साउथ अफ्रीका सिर्फ 6 ऑड प्लेयर्स। काफी सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज में। उसके अलावा आप मिनी जीएल स्मॉल लीग्स खेल सकते हो, स्मॉल लीग्स ऑन एक्सएल 11, मिनी जीएल ऑन ड्रीम 11 एंड ओपिनियन ट्रेडिंग रियल 11 पे अच्छा है एंड माय मास 11 पे करेंटली नो कमीशन पे चल रहा है। सो गुड चांस फॉर यू टू ट्राई इट एक्सचेंज 22 पे ₹100 रियल कैश ऑन साइन अप। जल्दी साइन अप कर लीजिए, सारे लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रिमेंबर टू जॉइन अस @ फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन जरूर हिट करेगा। टैक्टिकल कॉर्नर की बात की जाए तो यहाँ पे अब शे होप एंड जॉनसन चार्ल्स ओपन करने के लिए लाइकली, चेज एंड पुराने इन द मिडिल ऑर्डर, पॉवेल हेटमायर एंड शेपर्ड एंड डाउन द ऑर्डर टेल वैगर्स है फेबिन एलियन एंड अकील हुसैन। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो रिकल्टन रीजा माक्रम रासी दोनों मैन होंगे इंपॉर्टेंट एंड स्टब्स मुल्डर डाउन द ऑर्डर। बोलिंग की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के लिए 14 एंड बोगर प्रॉबली अ न्यू बोलिंग अटैक, क्योंकि शामजी नहीं है सीरीज में, महाराज नहीं है एंड ना है रबाडा नोकिया। मल्डर एंगीडी एंड बर्गर अगेन इन द मिडल ओवर्स एंड डेथ में बाटमैन एंड एंगीडी सिक्स्थ ऑप्शन में इनके पास है माक्रम। तो काफी फ्रेश बोलिंग लाइनअप यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिच की बात की जाए तो यहाँ पे जो पिच है थोड़ी सी स्लो थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एंड थोड़ी सी ट्रिकी थी, काफी अनइवन बाउंस था। सो आई थिंक यहाँ पे बोलर्स हो सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट। वेल अगर बैटिंग की बात की जाए इफ इट्स अ डिसेंट बैटिंग ट्रैक ऑल्सो तो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है काफी स्ट्रॉन्ग है। रेन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ बिग पार्ट इन दिस गेम एंड मे बी आप देख सकते हैं थोड़े से डिस्टर्बेंसेस, बट प्रॉबली इनफ विंडो की एक पूरा मुकाबला मिल जाए। वो भी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल रहा था टुवर्ड्स स्पिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एंड एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को सिर्फ 84 की थी, बट याद रखिए कि काफी एसोसिएट टीम्स ने पहले बैटिंग की थी। यहाँ पे साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान की जो सेमीफाइनल थी वहां पे पिच को आईसीसी ने एज अनसेटिस्फैक्ट्री रेट किया था। सो इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे किस तरीके की ट्रैक आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड इलेवेंथ की तरफ। तो आपने ऑलरेडी टैक्टिकल कॉर्नर से हिंट ले लिया होगा, बट फॉर साउथ अफ्रीका रैन रिकल्टन में एक नए ओपनिंग पार्टनर फॉर रीजा हेंड्रिक्स, रासी वैन डर डसन इज बैक, डोनोवैन फेरेरा इज बैक इन द मिडल ऑर्डर एंड फिर डाउन द ऑर्डर आप देख सकते हैं मल्डर, बिजॉन 14, नंद्रे बर्गर, बैटमैन है फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड एंड एनगीडी। वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो क्वाइट अ सिमिलर लाइनअप फ्रॉम द वर्ल्ड कप, आप देख सकते हैं टॉप 6 टॉप 7 वहां पे सेम ही है। नंबर 8 पे आप देख सकते हैं या तो फेबिन एलन या शमार जोसेफ बेस्ड ऑन अगर इनको एक्स्ट्रा बैटिंग की वहां पे जरूरत लगती है कि नहीं, एंड देन क्वाइट अ फ्यू स्पिनर्स राउंडेड अप विद ओबेड मेकोय जो डालेंगे डेथ ओवर्स में। अब चलते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज साइड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं शे होप जो होंगे काफी क्रोशियल फॉर द वेस्ट इंडीज टीम्स होप्स एंड रिलायबल बैटर है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं विद एग्रेसिव प्ले क्योंकि वो उनका नेचुरल स्टाइल नहीं है, बट फॉर्म ठीक ठाक रही है इनकी एंड डेफिनेटली पहले बैटिंग करते हुए जब थोड़ा सा समय मिलता है तो आराम से खेल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रैक दैट इज ऑन ऑफर। ट्रिनिडैड में 2 मैच में 59 रन, साउथ अफ्रीका के सामने एक ही मैच में कोई रन नहीं। जॉनसन चार्ल्स बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड विद साउथ अफ्रीका, 6 मैचेस 248 रन एंड 195 की स्ट्राइक रेट। ट्रिनिडैड में 3 मैच में इनके 30 रन अब तक बने, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड आप कह सकते हैं इनका यहाँ पर। एक बात याद रखिए कि कोई भी स्विंग होगी अप टॉप रॉ पेस से थोड़ा सा ये सामने स्ट्रगल करते हैं, सो दैट विल बी एन अकिलेस हील फॉर जॉनसन चार्ल्स। रोस्टन जेस की बात की जाए तो 4 मैच में 4 विकेट्स और साउथ अफ्रीका 94 ऑड रन, तो ऑफकोर्स अच्छी खासी फैंटेसी वैल्यू आपको देखे जाएंगे। नए वाइस कैप्टन है ऑफ दिस टीम एट ट्रिनिडैड, 1 मैच में कोई भी रन नहीं। निकोलस पुरान एक्स कैप्टन ऑफ द टीम, 9 मैच में 144 रन, सो नॉट द बेस्ट एवरेज वर्सेस दिस टीम एट ट्रिनिडैड, 5 मैचेस 125 रन एंड 25 की एवरेज, अच्छे खासे बैटर है, प्रॉब्ली कीपिंग भी यही करेंगे स्पेशली जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, सो आपको वहां से भी इनके साथ वैल्यू मिली जाएगी। रॉबमन पॉवेल काफी रिस्क लेते हैं विद द बैट, 4 मैचेस में 83 रन एंड 1 विकेट, बट बोलिंग ज्यादा कर नहीं रहे ऑफ लेट, 5 मैचेस 75 रन एट ट्रिनिडैड, सो वापस एवरेज रिकॉर्ड इज व्हाट यू कैन से। स्पेन के सामने काफी स्ट्रगल करते हैं। सिमरन हेटमायर 100 में बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, 4 मैचेस 58 रन साउथ अफ्रीका एंड एट ट्रिनिडैड इन T20s 2 मैचेस 24 रन। उसके बाद चलिए रोमारियो शेपर्ड की तरफ, तो 3 मैचेस 88 रन एंड 1 विकेट एंड 2 मैचेस में 2 विकेट एंड 17 रन एट ट्रिनिडैड, सो ऑफकोर्स यहाँ पे जो बोलिंग फ्रेंडली अगर पिच हुई तो डेफिनेटली ये साइड में रहेंगे। बैटिंग फ्रेंडली में भी आपको विद द बैट ये वैल्यू
दे सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अ गुड प्लेयर डेफिनेटली, जो भी पिच हो जो भी टॉस हो ये डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। फेविन एलन लाइकली टू प्ले इन दिस मैन दिस मैच। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रही, पेस फ्रेंडली ट्रैक रही, तो शमार जोसेफ खेलेंगे। 5 मैचेस 62 रन एंड 1 विकेट एंड काफी रिस्क ले खेलते हैं विद द बैट। एंड जो बॉलिंग है इनकी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, सेम लाइन एंड लेंथ ये बार बार डालते हैं, विच कैन बी अ प्रॉब्लम जब आप क्वालिटी बैटर्स के सामने बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वाइल्ड डिसिप्लिन एक एंगल है, एक ये भी एंगल है कि आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं उस चीज के साथ। अकील हुसैन 7 मैच में सिर्फ 2 विकेट, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा डिफेंसिवली डालते हैं एंड फर्स्ट बॉलिंग में तो टीम में इन्हें लेना बहुत मुश्किल होगा, अनलेस अनटिल एक बहुत ही ज्यादा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है। बट ट्रिनिडैड में रिकॉर्ड अच्छा है, 5 मैच में इन्होंने 6 विकेट यहाँ पे लिए है, सो डिसेंट रिकॉर्ड ऑन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मेरी टीम में रहेंगे। गुडकेश मोती थोड़ा और अग्रेसिवली डालते हैं, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है ट्रिनिडैड, 3 मैच में 6 विकेट्स एंड वर्सेस साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा किया है, 3 मैच में 5 विकेट्स, डेफिनेटली अ गुड पिक एंड एक्यूरेसी इनकी भी स्ट्रेंथ है। ओबेड मेकॉय 8 मैच में 14 विकेट्स है वर्सेस साउथ अफ्रीका, सो फर्स्ट बॉलिंग में एक डेफिनेट पिक रहेंगे फॉर मी। एंड ट्रिनिडैड भी अच्छा रिकॉर्ड 2 मैच में इनके पास है, 3 विकेट यहाँ पे। याद रखिए रिस्क मीटर में, व्हेन द रिस्क मीटर इज हायर फॉर द बॉलर तब अच्छा है, पर अगर बैटर के लोअर है तो वो ज्यादा बेहतर है। अब चलते हैं टीम साउथ अफ्रीका की तरफ। यहाँ पे रायन रिकल्टन 2 मैच में 24 रन एंड ओवरऑल ठीक ठाक रिकॉर्ड इनका वर्सेस, ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं खेला है इन्होंने, बट आई थिंक जो रिसेंट फॉर्म था इनका एमएलसी में अच्छा था, ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक डेफिनेटली मेरी साइड में रहेंगे। रिजा हेंड्रिक्स ओपनिंग बैटर, 13 मैचेस 436 रन, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इनका वर्सेज वेस्ट इंडीज एंड एट ट्रिनिडैड 1 मैच में 29 रन, सो ऑल इन ऑल अ गुड बैटर। एंड स्पेशली जब पहले बैटिंग करते हैं थोड़ा सा अपना समय लेके खेलते हैं, सो फैंटेसी वैल्यू आपको अच्छी इनसे मिल जाएगी। रैफी एंडरसन सीनियर प्लेयर है, वापस आ रहे हैं 8 मैच में 208 रन, एवरेज है इनका रिकॉर्ड आप कह सकते हैं 119 की स्ट्राइक रेट, सो ठीक ठाक नंबर्स इनके, बट सीनियर बैटर है एंड डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर दिस टीम। हेडन मार्करम वर्ल्ड कप में फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन रहा था, बट अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन द मिडल ऑर्डर एट ट्रिनिडैड 1 मैच में 23 रन एंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 2 मैचेस 269 रन एंड 2 विकेट, सो काफी इंपॉर्टेंट इनका भी रोल रहेगा इन दिस टीम। एंड हो सकते हैं कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे बॉलिंग भी कर लें, एज ज्यादा स्पिनर साउथ अफ्रीका लेकर नहीं आया इस टूर पे। डोनोवैन फेरेरा वाइल विकेट कीपर है, हो सकता है ऑफ स्पिन के साथ भी यूज किया जाए, फॉर्म इनका ठीक ठाक था 100 कुछ अच्छे नॉक्स के लिए, अच्छी बैटिंग ट्रैक पे डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। ट्रिस्टन स्टब्स 1 मैच में 29 रन एंड पिच के हिसाब से अगर आप कहें तो थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, एक और प्लेयर है जो ऑफ स्पिन डाल सकते हैं एंड अटैकिंग बैटर है, सो लेट्स सी इनके लिए कैसा मुकाबला जाता है। वीएन मुल्डा अप फ्रंट अगर कोई भी मूवमेंट है तब ये बिल्कुल काम आते हैं, 3 मैचेस 45 रन एंड 2 विकेट्स, बट जनरली जैसे यहाँ पे पिच है मूवमेंट खास मिलती नहीं है, अनलेस आपको यहाँ पे कोई लाइव ग्रास दिख जाए तो ये उस सिचुएशन में एक अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। बजॉन फोर्टीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दीज कंडीशन, स्लो कंडीशन में ज्यादा हैंडी होते हैं, 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो अगर अच्छी बैटिंग ट्रैक रही तो उस सिचुएशन में इन्हें छोड़ने का आप चांस ले सकते हैं। ऑटनियल बैटमैन पहले बॉलिंग करते हुए तो डेफिनेटली साइड में रहेंगे, 1 मैच ही खेला वर्सेस वेस्ट इंडीज बट उस 1 गेम में 3 विकेट्स लेकर गए, तो फर्स्ट बॉलिंग में डेफिनेटली अपिक क्योंकि डेथ ओवर डालेंगे, सेकंड बॉलिंग में 50-50 आप कह सकते हैं। लुंगी एनगिडी 7 मैच में 7 विकेट वर्सेज वेस्ट इंडीज, फॉर्म इनका ठीक ठाक एंड साथ साथ में वर्ल्ड कप में खेले नहीं तो वहां पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि एज ए सीनियर प्लेयर थोड़ा सा वहां पे मोटिवेशन कम हो गया होगा, एमएलसी में भी कुछ खास फॉर्म इनके साथ दिखा नहीं, सो लेट्स सी कि कैसा जाता है इनके लिए मुकाबला। और स्लोअर ट्रैक इनके जो चेंजअप्स है काफी काम आ सकते हैं। नंद्रे बुलगर ये तब काम आते हैं जब यहाँ पे आपको दिखेंगे थोड़ी सी मूवमेंट इन द ट्रैक्स, वापस जैसे मैंने कहा लाइव ग्रास यहाँ पे जनरली दिखती नहीं है, सो लेट्स सी कि इनका क्या रोल रहता है इस मुकाबले में। लिजार्ड विलियम्स स्लोअर ट्रैक पे डेथ ओवर्स में और काम आते हैं, सो इफ यू सी कि ये खेल रहे हैं द साइड तो हो सकता है कि मे बी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो, वाइल बोलिंग फ्रेंडली ट्रैक के केस में आप देख सकते हैं नंद्रे बर्गर को। तो ये हुई साइड्स। अब ग्रैंड लीग ऑप्शंस की बात की जाए तो लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक शे होप एंड लिजार्ड विलियम्स अच्छे पिक्स हो सकते हैं, एंड हाई सिलेक्ट ड्रॉप दिस बॉम्ब में रैसी वैंडर डस्टिन कैप्टन वाइस कैप्टन, बोलिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड एलन एंड चेज हो सकते हैं अच्छे ऑप्शन, वाइल बोलिंग फर्स्ट बैटमैन एंड मेकोय, दोनों सिनेरियोज में मार्करम एंड पुरान। तो ये रही टीम्स की राउंड अप। अब चलते हैं आज की फैंटेसी टीम की तरफ। तो फैंटेसी टीम की बात की जाए कीपिंग सेक्शन में से निकलस पुरान होंगे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एंड आई थिंक शे होप भी ऑन अ हाफ डिसेंट बैटिंग ट्रैक भी काफी अच्छा कर सकते हैं, ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक में रायन रिकल्टन को भी लेकर जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में से रीजा हेंड्रिक्स मेरे हिसाब से एक अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे क्योंकि अच्छा रिकॉर्ड है इनका वर्सेज दिस टीम एंड एट द ग्राउंड भी 129 रन की पारी खेल कर गए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आएंगे रोमारियो शेपर्ड, रॉस्टन चेज, एडन मार्करम, तीनों ही लॉक पिक्स होने चाहिए आपके लिए इन दिस गेम, एंड फेबियन एलेनिस इज बोलिंग सेकंड।
फ्रॉम द बोलिंग सेक्शन ऑटनियल बार्टमैन, लुंगी एनगिडी, ओबेड मेकोई होंगे इंपॉर्टेंट चॉइसेस चॉइसेस गुडिकेश मोती का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड एंड वर्सेस दिस टीम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया उन्होंने। उसके अलावा लास्ट पिक होगी बेस्ड ऑन द टॉस। आई थिंक अभी के लिए इफ साउथ अफ्रीका बोल फर्स्ट लिजार्ड विलियम्स भेज ले वो इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो एडन मार्करम एंड रॉस्टन चेज अभी के लिए मेरे हिसाब से होंगे लॉक पिक्स। उसके अलावा इफ साउथ इफ वेस्ट इंडीज बोल फर्स्ट तो मैं जा सकता हूँ विद रोमारियो शेफर्ड एज वाइस कैप्टन। तो अभी के लिए ऐसी लग रही है मेरी टीम। उसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे मैं बता दूंगा आपको ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का QR कोड, नया QR कोड है यही पर, तो जल्दी से साइन अप कर लीजिए। रिमेम्बर टू स्कैन द QR कोड एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से ज्वाइन करिएगा एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट। होपफुली जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।